नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। ग्वालियर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, हजीरा सब्जी मंडी में धरने पर बैठे हैं कमलनाथ। विस्थापित सब्जी कारोबारी कर रहे हैं धरना प्रदर्शन। कमलनाथ के साथ कई कांग्रेसी नेता भी मौजूद हैं। धरने में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता भी शामिल हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। विस्थापित सब्जी कारोबारी कर रहे हैं धरना प्रदर्शन। कमलनाथ के साथ कई कांग्रेस के जो नेता हैं वो मौके पर मौजूद हैं। ये धरने में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता जो है वो भी शामिल हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ग्वालियर पहुंचे हैं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ। बड़ी बात यह है कि लगातार जमकर विरोध किया जा रहा था, नारेबाजी की जा रही है और ऐसे में अब जो कांग्रेस है उसका सपोर्ट भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जो विस्थापित सब्जी कारोबारी है उनको कांग्रेस का सपोर्ट मिल गया है और कमलनाथ के साथ कई कांग्रेस के जो नेता है वो मौके पर पहुंचे हुए और साथ में विरोध कर रहे हैं। धरने में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हैं, आपको जानकारी दें कि ग्वालियर पहुंचे हैं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ। जमकर विरोध किया जा रहा है, नारेबाजी हो रही है। विस्थापित जो सब्जी कारोबारी हैं उनकी तरफ से लगातार कई मांगे भी हैं जो सरकार से मनवाने की पूरी कोशिश की जा रही है। और आप ये तस्वीरें भी देखिए वहां पर किस तरीके से तमाम जो कांग्रेस के बड़े चेहरे हैं, जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो मौके पर पहुंचे हुए हैं। दिग्विजय सिंह को आप देख पा रहे हैं और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के साथ कई कांग्रेसी जो हैं वो भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय शर्मा जुड़े हुए हैं। संजय, फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर क्या अपडेट है और क्या मांगे जो हैं वो रखी जा रही हैं सरकार के सामने? देखिए, सब्जी मंडी के विस्थापितों के बीच जो है कमलनाथ अभी पहुंचे हैं। पिछले काफी समय से जब से सब्जी मंडी का विस्थापन हुआ था, नई सब्जी मंडी को जो है शुरू किया गया था, उसके बाद से ही जो सब्जी विक्रेता है वो लगातार इसकी मांग कर रहे थे। साथ ही कांग्रेस का साथ भी उनको मिल गया था कि किसी भी तरीके से पुरानी सब्जी मंडी जो 70 सालों से चल रही है वो बंद ना की जाए। लेकिन चूंकि सरकार की मंशा थी कि नई सब्जी मंडी में सभी सब्जी कारोबारी पहुंचे तो वो पहुंचा दिए गए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस ने लगातार इसके प्रति विरोध जताया है और इसी संबंध में अभी हाल ही में एक एसआई की भी झुलसने से जो है झुलस गया था एसआई, तो इसके चलते उसका दिल्ली में इलाज जारी है। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लगभग 18 कार्यकर्ताओं पर 307 के मुकदमे ला दिए गए हैं, जिसमें कि 7 लोग जो है वो नामजद है और वो अभी जेल में है। तो कहीं ना कहीं कमलनाथ का जो दौरा है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा फूंकने का काम यहाँ पर करेगा। हालांकि अभी कमलनाथ जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो इसके चलते क्या जवाब देंगे, हालांकि धरना स्थल पर पहुंचे कमलनाथ ने किसी से के मीडिया से अभी बात नहीं की है, लेकिन चूंकि अभी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो इसके चलते जो है क्या जवाब देते हैं वो देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो सब्जी मंडी का जो मामला है वो लगातार सियासी होता जा रहा है और सियासत इसके चलते जो है ग्वालियर चंबल अंचल में इसमें गर्माहट लाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस सिंधिया का दौरा भी इसके चलते रद्द हो गया था, क्योंकि 5 और 6 तारीख को सिंधिया का दौरा था, लेकिन कमलनाथ ग्वालियर आ रहे हैं। तो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर आप बनाए रखिए, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। और इस बीच